हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मामा डॉटर्स मोमेंट। तो आपने मिरिक पार्ट वन में देखा था कि हम लोग मिरिक पहुँचे थे। सेकंड में आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया था कि हम लोग गए थे मिरिक लेक। तो ये है थर्ड वीडियो मिरिक का। तो इसमें है आपका बुखार मोनेस्ट्री, जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि हम लोग जाएंगे बुखार मोनेस्ट्री। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ जाते जाते थोड़ा एक चढ़ाई आता है जिसमें राज स्कूटी लेके गया और मैं पीछे पीछे आ रही थी, बिकॉज़ वहाँ हम लोग दोनों साथ में नहीं जा सकते थे, बिकॉज स्कूटी है स्कीड कर सकता था। तो इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ और राज ऊपर पहुँच चुका था जहाँ मोनेस्ट्री है। ये देखिए मोनेस्ट्री, और ये करीबन 2:30 बजे का करीब का व्यू है। देखिए कैसा फॉगी फॉगी वेदर है, जबकि इस समय सिलीगुड़ी में बहुत धूप हो रहा होता और यहाँ एकदम फॉगी फॉगी वेदर है। ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा लग रहा था, ठंडा कुछ भी नहीं, मतलब मौसम ठंडा था, फॉगी फॉगी वेदर था पर ठंडा नहीं लग रहा था। पर मौसम इतना अच्छा था कि मतलब लग रहा था कि वहीं पर रह जाए हम लोग। तो यहाँ पर अभी मैं जाऊँगी अंदर, राज जा चुका है। एक्चुअली हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि अंदर में जाने का परमिशन है कि नहीं और क्या सिस्टम है, तो इसलिए राज पहले जाके पूछ गया है कि क्या करना है। तो वहाँ पे बोला गया कि नहीं कुछ भी नहीं, आप लोग ऐसे नॉर्मली विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं भी अंदर जा रही हूँ और यहाँ पे इतना शांत था, मतलब कोई आवाज़ नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और वेदर भी इतना सुहाना था। तो हम लोग गए थे, यहाँ पे एक फैमिली भी था जो हम लोग से पहले आई हुई थी, तो वो लोग जा रहे थे और एक जन थे जो लोग फ़ोटो ले रहे थे। तो हम लोग भी वहीं पर गए क्योंकि बिकॉज हम लोग भी नए नए थे, तो थोड़ा अटपटा तो लगता है कि अचानक से हम लोग अंदर जाए कि नहीं जाए, और बाहर कोई था भी नहीं जिससे हम लोग पूछ सके कि अंदर जा सकते कि नहीं। तो वो फैमिली जो थी तो वो लोग भी हम लोग से पूछे कि हम लोग अंदर जा सकते हैं, तो फिर हम लोग को भी नहीं पता है। तो फिर हम लोग ने देखा कि नहीं, फिर वहाँ से एक जन आया तो उनको हम लोगों ने पूछा कि हम लोग जा सकते हैं, तो फिर उन्होंने बोला हाँ आप लोग जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस फ़ोन वगैरह साइलेंट करना है। और तो हम लोग ने फ़ोन अपना साइलेंट किया और ये देखिए राज पहले अंदर जा रहा है। मैं वीडियो ले रही थी क्योंकि हम लोग के पास ट्राईपॉड नहीं था, तो दोनों का साथ में वीडियो लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए मैंने बोला कि तुम पहले जाओ फिर मैं आती हूँ। तो अभी मैं भी अंदर जाऊँगी और अंदर में यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि इतना साइलेंस था कि मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे और व्यू बहुत सुंदर था, बाहर का इतना सुंदर जगह आप देख ही पा रहे हैं कि कितना सुंदर है यहाँ पे, और तो अंदर कितना सुंदर होगा तो वो आप लोग को मैं दिखाऊंगी। आप लोग देखते रहिए इस वीडियो में कि अंदर का व्यू कैसा है। तो यहाँ मैं अभी बाहर आ रही थी, तो कितना अच्छा सुंदर व्यू था आपने देखा ही। तो अभी हम लोग जाएंगे वापस, बिकॉज हम लोग यहाँ और ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग लेट से ही निकले थे सिलीगुड़ी से। तो यहाँ अगर हम लोग ज़्यादा और देरी करते हैं तो क्या होगा कि अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा होने से हम लोग को जाने में भी दिक्कत होगा, बिकॉज़ थोड़ा फॉरेस्ट इलाका भी पड़ता है। तो पहले से हम लोग जल्दी निकल जाए वही बेहतर है। तो हम लोग यहाँ वही निकल रहे, जाने का मन तो एकदम नहीं था क्योंकि इतना अच्छा वेदर था कि लग रहा था कि यहीं पर रह जाए, पर जाना तो पड़ेगा। और
नेक्स्ट टाइम अगर मैं विजिट करती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी आऊँ और थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ यहाँ पे, बिकॉज़ इतना अच्छा है ना। आप भी अगर विजिट करते हो तो आपको भी ये जो मुझे अभी लग रहा है तो आप लोगों को भी लगेगा कि वाओ यहीं पर रुक जाए जैसे। और ऊपर से हम लोग इतना गर्मी वाला जगह से आए थे और अचानक से इतना लग रहा था कि जैसे पूरा रास्ता और पूरा जगह ए सी में कन्वर्ट हो गया हो जैसे, तो इसलिए और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ये व्यू बहुत सुंदर था जब हम लोग आ रहे थे वापस, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के व्यू का वीडियो क्यों ना लिया जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैं और राज रुके थे और रुक के हमने ये व्यू का वीडियो जो है वो लिया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी अभी मौसम वैसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धूप था क्योंकि हम लोग धीरे धीरे डाउन की तरफ जा रहे थे, और जितना हम लोग डाउन जाते हैं फिर वेदर नॉर्मल में होने लगता है और जितना ऊपर उतना ही ठंडा आपका मौसम होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए इतना सुंदर लग रहा है, तो आप लोग रास्ते का मज़ा लीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ हम लोग एक शॉप पे रुक चुके हैं बिकॉज एक्चुअली भूख लग गया था हम लोगों को। हम लोग ने उस टाइम मेरी क्लिक के उधर मोमो तो खाया था, मोमो खाया था, फुचका खाया था, पर अभी फिर घूमने के बाद हम लोग को भूख लग गया था तो हम लोग सोचे कि क्या खाए, तो वापस से मुझे मोमो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने बोला कि चलो पेटीज वगैरह कुछ खाते हैं, तो यहाँ पे था वेज पेटीज था, वेज चिकन पेटीज था, तो हम लोग ने एक वेज और एक चिकन पेटीज मंगवाया, तो अभी हम लोग वही खाएंगे। और ऊपर से यहाँ पे देखिए ये शॉप में इतना वेराइटीज़ ऑफ बिस्किट्स है, आपको भी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे भैया केक भी बना रहे और सारा ये लोग शायद खुद ही बनाते हैं, और जो यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बिस्किट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल था तो वो भी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ने यहाँ लिया पेटीज, तो अभी हम लोग खाएंगे पेटीज क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों का लगा हुआ था। तो यहाँ से खाने के बाद हम लोग फिर से निकल चुके हैं अपने मंजिल की ओर, तो आप लोग फिर से रास्ते का व्यू लीजिए। I'm not afraid to die.
देखिए अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं नीचे, तो ऑलमोस्ट ये हम लोग पहुँच गए। ये दुधिया से थोड़ा आगे है और यहाँ पे जैम लगा हुआ था। एक्चुअली कुछ चीज़ का प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पे, 2 दिन पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसको लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट सब ने किया हुआ था और बहुत लंबा जैम हो गया था। और यहाँ जैम में हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हम लोग को रुकना पड़ा, यहीं पर थे हम लोग। फिर उसके बाद भीड़ बढ़ते गया, पुलिस लोग भी आए हुए थे पर शायद उनका जो डिमांड था वो पूरा होने के बाद ही वो लोग रास्ता छोड़ते। तो जैसे ही उनका डिमांड में कुछ हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि सिर्फ बाइक में जो जो थे, बाइक स्कूटी, उन्हीं को जाने के लिए दिया गया। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और बहुत स्पीड से निकले बिकॉज़ अंधेरा होने वाला था। और जो 4 व्हीलर वगैरह था उनको जाने नहीं दिया गया, शायद प्रोटेस्ट में कुछ और डिमांड है जो पूरा होने के बाद ही वो लोग छोड़ते। पर जबकि भीड़ इतना ज़्यादा हो गया था और ट्रैफिक जाम भी, और ये कोई कोई टूरिस्ट भी थे जिनको ट्रेन पकड़ना था या फिर किसी को फ़्लाइट पकड़ना था, तो उन्हीं को छोड़ा गया। बाद बाकी जो लोकल से शायद उनका गाड़ी वहीं पे रोक दिया गया। तो हम लोग ये यहाँ से निकल चुके हैं। और ये रास्ता जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये मुझे जाने का वक्त ही मैं सोची थी आप लोग को दिखाऊँगी, पर इतना सुंदर था ये जगह, पर मैंने सोचा कि फिर नहीं, आते वक्त मैं आपको रास्ता दिखाऊँगी। बिकॉज़ यहाँ पर जो कैंप है ये इतना सुंदर है और थोड़ा थोड़ा आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ स्टैचूज बना हुआ है, तो अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो आप लोग देखिए ये जो व्यू है बहुत सुंदर है, इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप इसी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो वो मुझे मोटिवेट भी करता है। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।